निधि के अंदर हमारे को 292 करोड़ रुपए अगर अनोपगढ़ और सूरतगढ़ का जो निर्माण कराया जा रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से और आदरणीय वसुंधरा जी के माध्यम से केंद्र सरकार को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बड़ा बजट हमारे को दिया। इसके अलावा सिंचाई के क्षेत्र में हमारे लिफ्ट की जो योजना है 16 करोड़ रुपए आदरणीय उमा जी ने हमारे लिए मंजूर करके जो लिफ्ट की योजना है उनको शुरू करने का काम किया है। हमारे पूरे गंगानगर जिले के अंदर हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए गंगा नहर का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। इंदिरा गांधी नहर के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अनोपगढ़ ब्रांच की रीलाइनिंग का काम 132 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। बागड़ा के अंदर पक्की नहर और पक्की खाना बनाने के लिए 334 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जाकर और प्रथम चरण के अंदर काम शुरू किए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं निरंतर नित नए कार्यों की शुरुआत, नित नए कार्यों के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अकेले आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि सिंचाई और सड़क के अंदर और हमारी आदरणीय किरण जी महेश्वरी अभी बैठी है, अभी आप सूरतगढ़ स्टेशन पर उतरे थे तो निश्चित रूप से 300 कार्यकर्ता वहां थे।